रहीम, वी डिस्कस्ड ऑल मॉनिटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इन लास्ट फोर टू फाइव लेक्चर्स एंड देन वी कंक्लूडेड दैट प्राइस स्टेबिलिटी वाज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव आर प्राइम गोल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी बाकी सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फिर हरारकी में नीचे आते हैं अब सवाल यह है कि अगर प्राइस स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो या उसी को इन्श्योर करना ही प्राइम ऑब्जेक्टिव हो या प्राइम गोल हो मॉनिटरी पॉलिसी का तो उसके लिए किस तरह की मॉनिटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जिससे जो है वो इन्फ्लेशन लो रहे स्टेबल रहे और प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाए तो ऐसा एक मॉनिटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी या मॉनिटरी पॉलिसी रजीम जो दुनिया ने अडॉप्ट किया आल दो पाकिस्तान ने अभी उसको फुली अडॉप्ट नहीं किया और कई मुल्कों ने और में भी नहीं किया लेकिन बहुत सारे दुनिया के मुल्कों ने किया जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम के नाम से जाना जाता है हम उसको अब डिस्कस करते हैं फिर हम अगले लेक्चर्स में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग रजीम क्या है इससे भी पहले ये देखने की जरूरत है कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है क्यों कंट्रीज ने स्ट्रेटेजी को इस को अडॉप्ट किया ठीक है ना जब हम कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये बात याद रखनी है इट मीन सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है बस इतना कहना काफी नहीं है बल्कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम इज अ स्पेसिफिक मॉनिटरी पॉलिसी बाय सम सेंट्रल बैंक्स इन दर्ल्ड यह एक खास किस्म की स्ट्रेटेजी है जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बाद में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे देखिए दो चीजें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और उस उसपे बड़े क्लियर हैं एक यह है कि लॉन्ग रन में प्राइस स्टेबिलिटी ही प्राइम गोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का और लॉन्ग रन में उसके साथ किसी और ऑब्जेक्टिव का कोई क्लैश भी नहीं आता नंबर वन नंबर टू हम ये भी देख चुके हैं कि जो नॉमिनल एंकर होता है उसका एक अपना फायदा होता है उससे इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस एंकर होती हैं और उससे फिर प्राइस स्टेबिलिटी एंश्योर करने में हेल्प मिलती है सेंट्रल बैंक को अगर उसका कोई नॉमिनल एंकर हो तो ये दो बातें जेहन में रखें प्राइस स्टेबिलिटी अल्टीमेट गोल हो और कोई ना कोई नॉमिनल एंकर भी हो इन दोनों का बेनिफिट ये होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी एंश्योर होती है वह उसका टारगेट उसका गोल अचीव हो जाता है तो ये दोनों चीजें इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम या इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मौजूद है तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को हम कैसे डिफाइन करें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग डिफाइन होता है अपने एलिमेंट्स में उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिस स्ट्रेटजी में ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे हम उसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी कहेंगे अब वो एलिमेंट्स क्या है सबसे पहला ये है कि पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ मीडियम टर्म न्यूमेरिकल टारगेट फॉर इन्फ्लेशन यानी कि कोई टारगेट न्यूमेरिकल फॉर्म में अनाउंस किया जाए मीडियम टर्म का ये नहीं है कि हम कहें कि हर महीने यही इन्फ्लेशन होगा मीडियम टर्म का एक टारगेट ऑन एवरेज हम पांच साल के अंदर तीन साल के अंदर यह इन्फ्लेशन का टारगेट मेंटेन करेंगे ऐसा कोई न्यूमेरिकल टारगेट होना चाहिए ठीक है उसके अराउंड फिर सेंट्रल बैंक की पॉलिसी डिजाइन होगी उस टारगेट को अचीव करने के लिए अच्छा यहीं पे मैं बताता जाऊं कि जैसे हमने कहा था प्राइस स्टेबिलिटी प्राइम कंसर्न है वो यहीं पे एड्रेस हो गया क्या आपने एक इन्फ्लेशन का नंबर टारगेट में रख लिया अब जाहिर है आप उसको लो नंबर रखेंगे लो नंबर रखने का मतलब है कि इन्फ्लेशन लो रहेगा स्टेबल रहेगा इसी को तो प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं और दूसरा यही नॉमिनल एंकर का भी मसला हल हो गया कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का का अपना टारगेट ही इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन का नॉमिनल एंकर बन जाएगा ठीक है तो वो जो दो बातें मैंने शुरू में कही थी कि ये इन दो की वजह से इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ हम जा रहे हैं तो वो दोनों चीजें इस पहले ही एलिमेंट में पहले ही पॉइंट में पूरी हो रही हैं भारत जब ये टारगेट अनाउंस हो जाए तो अगला स्टेप ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी को प्राइमरी गोल बनाने के लिए ठीक है और ये इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट आपको पाकिस्तान के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट देता है यानी कि स्टेट बैंक का जो एक्ट है जो नेशनल असेंबली से पास हुआ वो आपको ये बता रहा है कि जो पाकिस्तान में प्राइस स्टेबिलिटी है वो उसका प्राइमरी गोल है तो ऐसी इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट चाहिए होती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में यानी कि अगर वो हम ना कहें कि हमारा प्राइस स्टेबिलिटी प्राइमरी गोल है तो फिर आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी बना ही नहीं रहे आप किसी और टारगेटिंग रेजीम के अंदर उसके बाद उसके बाद यह है कि कोई एक वेरिएबल के ऊपर अपनी पॉलिसी नहीं बनानी मसलन मनी के ऊपर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन इंक्लूसिव अप्रोच है जिसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स की बेस पे इन्फ्लेशन को फोरकास्ट कर रहे होते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपका इन्फ्लेशन फोरकास्ट आपके टारगेट के ऊपर है या टारगेट से डिविएट करता है और उस इन्फ्लेशन को फोरकास्ट करने के लिए आप डिफरेंट वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं तो जो आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी होती है ये इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को देख के हम कहेंगे कि जी इन्फ्लेशन टारगेटिंग है या इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी में कोई सेंट्रल बैंक नहीं है उनमें से पहला जो है वो ये है कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट होना चाहिए मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट का और वो न्यूमेरिकल टारगेट होना चाहिए मसलन आप कहते हैं कि 5 परसेंट हमारा मीडियम टर्म टारगेट आप मीडियम टर्म से मुराद आप तीन साल ले सकते हैं चार साल ले सकते हैं तो इसके दौरान हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रेट ये फाइव होना चाहिए तो इसका मतलब है आपने एक न्यूमेरिकल टारगेट अनाउंस कर दिया और अब टारगेट आपने अनाउंस किया तो यहीं पे मैं ये बात बताता चलूं कि टारगेट अनाउंस जब आप कर देते हैं तो वो इन्फ्लेशन का टारगेट ही नॉमिनल एंकर बन जाता है क्योंकि हमने बात की थी कि एक प्राइमरी गोल होना चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा नॉमिनल एंकर इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को एंकर करने के लिए तो इन्फ्लेशन टारगेट का जो नंबर है वही इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन का एंकर बन जाता है यहां पर और दूसरा इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी पॉलिसी के अंदर एक उसको एक लीगल कवर मिलना चाहिए कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो उसका प्राइमरी गोल हो जो कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक का एक्ट ये लीगल कवर देता है आपका एक्ट कहता है जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे अप्रूव हुआ 2022 में कि जो पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी गोल है वो प्राइस स्टेबिलिटी इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटेजी किसी एक वेरिएबल पे फोकस नहीं करती मसलन मनी के ऊपर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हो गया या मनी सप्लाई हो गया नहीं बल्कि इसमें एक इंफॉर्मेशन इंक्लूसिव अप्रोच होती है जैसे कि सेंट्रल बैंक फोरकास्ट करता है मीडियम टर्म का इंफ्लेशन uh, अगर वो फोरकास्ट उसके टारगेट से डिविएट कर रहा है तो फिर सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी चेंज करेगा अब ये जो फोरकास्ट करता है ये किसी एक वेरिएबल की बेस पे नहीं करता बल्कि जो भी वेरिएबल्स इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में हेल्पफुल हो सकते हैं उन सबको यूटिलाइज करते उनको यूज करते हुए वो क्या करेगा इन्फ्लेशन को फोरकास्ट करेगा फिर इसका एक अगला एलिमेंट ये होता है कि इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी यानी हाईली ट्रांसपेरेंट डिसीजंस होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के और ये भी नहीं है कि सेंट्रल बैंक अपने डिसीजन सिर्फ शो करता है छुपाता नहीं है यह ट्रांसपेरेंसी है नहीं बल्कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है मीडिया पे जाके लोगों के सामने जाके बताता है कि हमारा डिसीजन क्या है और उसकी रीजन क्या है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं पीछे और उसके क्या रिजल्ट आएंगे यह सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है यह सेंट्रल बैंक साथ में करते हैं और फाइनली एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर सेंट्रल बैंक फाइनली वो न्यूमेरिकल टारगेट जो उसको असाइन किया गया वो अचीव नहीं कर पाता तो फिर जो है सेंट्रल बैंक अकाउंटेबल भी होगा तो ये पांच एलिमेंट्स जिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी के अंदर होंगे हम उसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम कहेंगे अब जिन्होंने ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट की उनका नाम लेना यहां पे जरूरी है उन सेंट्रल बैंक्स का जहां से ये प्रोसेस चला तो सबसे पहले ये न्यूजीलैंड ने किया ये फर्स्ट कंट्री था विच फॉर्मली एडोप्टेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम इन 1990 फिर कनाडा ने 1991 में यूके ने 1992 में स्वीडन और फिनलैंड ने 1993 में और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने 1994 में ये पॉलिसी या ये रजीम या ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही कंट्रीज हैं जिन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की अब तो आपको कई मुमाले कैसे मिलेंगे जिनकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटेजी जिन्होंने अडॉप्ट की हुई है ये तो मैं अर्ली एग्जांपल्स आपको बता रहा था जिन्होंने ये स्टार्ट किया थैंक यू